नमस्कार, वेलकम टू कबड्डी अड्डा। प्रो कबड्डी सीजन 6 की सफलता के बाद मशाल स्पोर्ट्स तैयारी में जुटी है सीजन 7 की, और अभी कुछ ही दिनों में सभी फ्रेंचाइजी घोषणा करने वाले हैं रिटेन्ड प्लेयर्स की। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं रिटेन अपने फ्रेंचाइजी के द्वारा। वैसे आप ही हमें ये बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आप उनको कौन सी टीम में देखना चाहते हैं। अगर सूत्रों की माने तो शायद सीजन 7 में पर्स होगा 4.40 करोड़ का, और ABC कैटेगरी के बेस प्राइस में भी इजाफा होने की उम्मीद है। यही नहीं, जिन NYP खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले सीजन में उम्दा रहा है उनका भी बेस प्राइस बढ़ाया जाएगा। शुरुआत करते हैं जोन बी में बंगाल वॉरियर्स से। पिछले साल उन्होंने ये कैटेगरी में सुरजीत सिंह और मनिंदर सिंह को रिटेन किया था, पर इस बार सुरजीत सिंह का प्रदर्शन और लास्ट ईयर का रिटेंशन प्राइस 80.3 लाख को देखते हुए उनका रिटेंशन मुश्किल होगा। ऑक्शन में RTM का इस्तेमाल कर उन्हें वापस टीम में लिया जा सकता है। वहीं मनिंदर सिंह, जिन्होंने सीजन 6 में 22 मैच खेला, 206 अंक अर्जित किए 9.36 के एवरेज से 376 रेड्स में, उनका रिटेंशन पॉसिबल है। सीजन 6 में उनका प्राइस था 56.8 लाख, और अगर इसमें 10-12% का इजाफा कर दें तो मनिंदर सिंह बड़े ही किफायत प्राइस 62 से 65 लाख पे आएंगे। टीम में दूसरे यंग रेडर हैं रविंद्र रमेश कुमावत, जिनको रिटेन किया जा सकता है, और सीजन 6 में भी उनको बंगाल वॉरियर्स ने रिटेन किया था। बात डिफेंडर्स की करते हैं तो बलदेव सिंह का नाम सबसे ऊपर आएगा, और सीजन 6 में उन्होंने 18 मैचेस खेल के टोटल 28 अंक अर्जित किए 1.33 अंकों के एवरेज से 70 टैकल अटेम्प्ट्स में। सीजन 6 में टीम ने उन्हें 12 लाख में खरीदा था, और अगर 10 से 12% का इजाफा करें तो वो बड़े ही किफायत 13 से 15 लाख में आएंगे। दूसरे उम्दा खिलाड़ी हैं लेफ्ट कॉर्नर पे आदर्श टी, जिन्होंने बड़े ही कम 10 मैच खेले पर अपना पूरा रंग जमाया अपने एंकल होल्ड से। बढ़ते हैं सीजन 6 के चैंपियंस बैंगलोर बुल्स की ओर, और कप्तान रोहित कुमार का रिटेंशन मुमकिन है। सीजन 6 में रोहित ने 24 मैच खेल के 171 पॉइंट्स अर्जित किए थे 6.75 के औसत से 341 रेड्स में, और सीजन 6 में उनको रिटेन किया गया था 89.10 लाख में। अगर 10-12% ऐड करें तो 98 लाख से 1 करोड़ में आएंगे, और रोहित कुमार जैसे शानदार खिलाड़ी के लिए बेंगलुरु बुल्स इतने पैसे जरूर खर्च करना चाहेगी। बेंगलुरु बुल्स के सीजन 6 के चमकते सितारे पवन सहरावत का रिटेंशन बिल्कुल ही तय है। पवन ने 24 मैच खेल के सर्वाधिक 282 पॉइंट्स अर्जित किए थे 11.29 के एवरेज से 375 रेड्स में। सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स ने उन्हें खरीदा था 52.8 लाख में। अगर 10-12% और ऐड करें तो 58 से 60 लाख में सीजन विनिंग प्लेयर बड़ा ही किफायत साबित होगा। बात अगर पटना पायरेट्स की हो तो नाम सीधा आता है डुबकी किंग प्रदीप नरवाल का। प्रदीप नरवाल पहचान है पटना पायरेट्स के। प्रदीप नरवाल ने 21 मैच खेल के कुल 233 अंक अर्जित किए 11.09 के एवरेज से 391 रेड्स में, और सीजन 6 में पटना पायरेट्स ने उन्हें रिटेन किया था 60.5 लाख में। अगर 10-12% और ऐड करें तो 66 से 70 लाख में प्रदीप नरवाल इज अ स्टील फॉर मनी। पटना पायरेट्स जो दूसरे रेडर को रिटेन करना चाहेगी वो है सर्विसेज की तरफ से खेलने वाले मनजीत, जिन्होंने 22 मैच खेले कुल 102 अंक अर्जित किए थे 3.95 के एवरेज से 189 रेड्स में। सीजन 6 में पटना पायरेट्स ने उन्हें पे किया था 20,40,000 रुपये, और 22-24 लाख में उनका रिटेंशन बड़ा ही वैल्यूएबल होगा। पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स की बात करें तो सर्विसेज से ही खेलने वाले जयदीप का नाम सबसे पहले आएगा, जिन्हें पटना पायरेट्स ने सीजन 6 में भी रिटेन किया था 55 लाख में। हालांकि 62 से 64 लाख में जयदीप थोड़े महंगे साबित होंगे, और शायद पटना इन्हें रिलीज कर RTM करने का भी प्लान कर सकती है। बात करते हैं साउथ की दूसरी पॉपुलर टीम तमिल थलाइवर्स की। सीजन 6 में तमिल थलाइवर्स सीनियर्स की टीम थी, जिसमें बड़े ही तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, पर उसका फायदा टीम को नहीं मिला।
अजय ठाकुर टीम के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं और फैंस उनको बहुत ही पसंद करते हैं। सीजन 6 में भी अजय ठाकुर एक बार फिर वन मैन आर्मी थे, जिन्होंने 22 मैच खेलकर 204 अंक अर्जित किए 9.22 के एवरेज से 388 रेड्स में। तमिल थलाइवर्स अजय ठाकुर को सीजन 6 में 76.23 लाख में रिटेन किया था। 10-12% की इजाफे के साथ 84-86 लाख में बड़े ही वैल्यूएबल साबित होंगे अजय ठाकुर। तमिल थलाइवर्स डिफेंडर्स में राइट कॉर्नर अमित हुडा को रिटेन करना चाहेगी, जिनको सीजन 6 में 69.30 लाख में रिटेन किया था। हालांकि तमिल थलाइवर्स अमित हुडा को रिलीज कर आरटीएम करने का भी प्लान कर सकती है, क्योंकि 75-77 लाख में अमित हुडा का रिटेंशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। तमिल थलाइवर्स के दूसरे डिफेंडर हैं दर्शन, जिन्हें सीजन 6 में तमिल थलाइवर्स ने 28 लाख में आरटीएम किया था और उम्मीद है दर्शन को टीम रिटेन कर सकती है। बात तेलुगु टाइटंस की करें तो यहां भी 1 करोड़ क्लब से राहुल चौधरी हैं, जिनको तेलुगु टाइटंस रिटेन नहीं करना चाहेगी। उनके बजाय तेलुगु टाइटंस रिटेन करना चाहेगी विशाल भारद्वाज को, जिन्होंने 17 मैच खेल के 60 अंक अर्जित किए 3 अंकों के एवरेज से 95 टैकल अटेम्प्ट्स में। सीजन 6 में विशाल एक NYP के बतौर खेल रहे थे और बेस प्राइस था 6.60 लाख, पर उनके प्रदर्शन को देखते हुए और नए NYP के रूल्स के हिसाब से भी 25-30 लाख में किफ़ायत रिटेंशन है। तेलुगु टाइटन डिफेंडर्स में ही अनिल कुमार को भी रिटेन कर सकती है, जो कि सीजन 6 में बड़े ही किफ़ायत थे। रेडर्स में NYP अरमान को वो खिलाड़ी है जिन्हें तेलुगु टाइटन रिटेन करना चाहेगी। बढ़ते हैं सीजन 6 के सरप्राइज कमबैक करने वाली टीम यूपी योद्धा की तरफ। प्रशांत तिवाड़ी का और प्रशांत कुमार राय के लास्ट ईयर प्राइस को देखते हुए उनका रिटेंशन डाइसी है। वहीं श्रीकांत जाधव, जिन्होंने 25 मैच खेल के 146 अंक अर्जित किया 5.64 के एवरेज से 332 रेड्स में। यही नहीं, अभी पिछले 2 टूर्नामेंट्स रेलवे इंटरजोन सीनियर नेशनल्स और हरियाणा 1 करोड़ टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन उमदा रहा है। सीजन 6 में उनकी कीमत थी 37 लाख और अगर 10-12% ऐड करें बड़े की फायर 40-42 लाख में श्रीकांत जाधव का रिटेंशन टीम के लिए वैल्यूएबल होगा। यूपी योद्धा के दूसरे वैल्यूएबल रिटेंशन होंगे लेफ्ट कॉर्नर सचिन कुमार, जिनको यूपी योद्धा ने सीजन 6 में 19.20 लाख में खरीदा था और पिछले उनके प्रदर्शन को देखते हुए 10-12% ऐड करने के बाद 22-24 लाख में सचिन एक वैल्यूएबल डिफेंडर होंगे। यूपी योद्धा के मोस्ट वैल्यूएबल रिटेंशन होंगे सीजन 6 के बेस्ट डिफेंडर नितेश, जो कि यूपी योद्धा में एज NYP थे और उम्मीद है कि NYP पॉलिसी में बदलाव होने वाले हैं। उसके बावजूद अगर नितेश 25-30 लाख में रिटेन होते हैं तो ही इज मोस्ट वैल्यूएबल। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।